गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हो EPFO SSA का एग्जामिनेशन और सिलेबस आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हुए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा SSA मतलब सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का आपका पूरा सिलेबस वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप, और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। देख सकते हैं आप, मेरे पास आ चुका है ये सिलेबस है, पूरा SSA का है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका है चैप्टर 6 से है, इसमें हम बताते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या क्या प्रोसीजर है। चलते हैं हम स्कीम एग्जामिनेशन पे देखते हैं, और इसके बाद जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इज एज अंडर। तो मतलब ये जो सिलेबस है आपका ये क्या है कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं कि 6.2 में लिखा हुआ है फेस वन एग्जामिनेशन है, मतलब इसमें ये है कि डबल फेस एग्जामिनेशन है। तो फेस वन एग्जामिनेशन को हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो फेस वन एग्जामिनेशन के बाद हम देखते हैं कि इसके नीचे एक वो है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि सीरियल नंबर में सबसे पहले आप देख सकते हैं नेम ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो नेम ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप देख सकते हैं कि एक तो नंबर, कितने नंबर क्वेश्चन है, दूसरा मैक्सिमम नंबर, तीसरा ड्यूरेशन। ठीक है, चार चीज़ें हम देखेंगे। पहले जनरल एप्टीट्यूड में देखेंगे कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन आएंगे और टोटल्स नंबर होंगे 120, मतलब 120 क्वेश्चन होंगे आपके। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर पर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर के रहेंगे क्वेश्चन आपके। इसमें भी 30 मीन्स दैट एक क्वेश्चन चार नंबर के होंगे, उसी हिसाब से आपका 120 हो रहा है। ठीक है, तो 120 नंबर का इसमें भी रहेगा। तीसरा चलते हैं आपका कॉन्टेंटिव एबिलिटी, इसमें देखिए कॉन्टेंटिव एबिलिटी में आपका 30 क्वेश्चन है और इसमें भी आपका सेम वही है कि 120 नंबर का रहेगा। और जनरल आप देख सकते हैं कि एक है चौथे नंबर पर जनरल इंग्लिश बेस्ड कंप्रेशन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन रहेंगे और जिसमें से आपका 200 नंबर्स का रहेगा। और आगे हम आपको देखेंगे कंप्यूटर लिटरेसी का क्वेश्चन आएगा जिससे 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके और टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। देख सकते हैं टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मतलब 150 क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल। और आपका जो नंबर होगा टोटल वो आपका मैक्सिमम नंबर आएगा 600, मतलब 600 होगा। और ड्यूरेशन क्या आपको मिलेगा, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 2 आवर एंड 30 मिनट्स, मतलब अगर आपको देखा जाए टोटल मिनट में काउंट किया जाए तो 150 मतलब 150 मिनट आपको टोटल मिलेंगे इसमें एग्जामिनेशन के लिए। तो टाइम तो इनफ है काफ़ी, और क्वेश्चंस भी थोड़ा है, नंबर्स भी अच्छे हैं। तो नीचे कुछ नोट्स भी दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो नोट्स में देखिए, पहला जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 मार्क्स ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर देंगे। दूसरा जो है द मार्क ऑब्टेंड इन फेस वन विल बी कंसीडर फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन मेरिट, मतलब ये जो फेस वन होंगे फाइनल सिलेक्शन में आपका काम करेगा, ये नंबर्स आपके मेरिट में टोटल उसको काउंट करके किया जाएगा। और नीचे वाला है कि फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर 1/4 ऑफ द मार्किंग। ठीक, तो मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि चार जो आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे उसमें से 1 माइनस मार्किंग में आपका चला जाएगा। तो माइनस मार्किंग इसमें है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश का भी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, टोटल 600 नंबर का आपका ये रहेगा पेपर आपका। ठीक है, मार्क टोटल 600 नंबर का। द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फेस सेकेंड, जो कैंडिडेट फेस सेकेंड में शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको क्या मिलेगा, नेक्स्ट टाइपिंग के लिए उनको बुलाया जाएगा। टाइपिंग के लिए क्या प्रोसीजर है उसको भी नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप टाइपिंग नीचे देख सकते हैं कि नीचे लिखा गया है फेस सेकेंड में कंप्यूटर स्किल टेस्ट, तो कंप्यूटर डाटा एंट्री का कोई टेस्ट होगा, उसमें साफ साफ लिखा गया है, देख सकते हैं। इसमें लिखा गया कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट टू अक्रॉस स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर डाटा एंट्री वर्क एट टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। मतलब क्या है कि आपका जो 35 वर्ड होगे वो इंग्लिश में आपका पर मिनट लेगा और हिंदी के लिए आपका 30 मिनट लेगा, इसमें ये है। और 35 वर्ड पर मिनट, तो ये भी जितने भी हैं आप टाइपिंग का है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा और सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करें और इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।